जेके कोचिंग क्लासेस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहां आपको मिलेगी सभी प्रकार की शिक्षा संबंधित वीडियो एवं ताजा खबरें। आज हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं एक नए विषय को लेकर जिसको हम समाज के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए सेशन को और बिना समय गवाए समास और समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब समास को हम संक्षिप्त में संक्षिप्तीकरण के रूप में जानते हैं। अब चलते हैं समास की परिभाषा की ओर। समास की परिभाषा लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो दोनों शब्द मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं और पद का निर्माण कहलाना मतलब समास बनता है। विस्तृत में पदों को संक्षिप्त में लिखना ही समास होता है। विस्तृत रूप से जाने तो इसको कहते हैं एक संक्षिप्त में रूप में जो लिख लिया उसको समास कहते हैं। उदाहरण के लिए उसमें कहा है दो या दो से अधिक पद, तो दो या दो से अधिक पद कौन से होते हैं? रसोई और घर। तो इसको विस्तृत किया गया है ना, रसोई के लिए घर इसको विस्तृत किया गया, तो इसको संक्षिप्त में क्या समझा हमने? रसोई घर। दूसरा पद बना है सही नीलकंठ लिखा है, तो नीलकंठ का विस्तृत रूप क्या हो गया? नीला हो कंठ जिसका, तो ये नीलकंठ बनता है। इस प्रकार परिभाषा बनती है। अब परिभाषा के बाद चलते हैं समास के पद। समास के पद कितने होते हैं? समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। तो शब्द बना हमारा गंगाजल, इसको पूर्व पद लिया हमने, तो पूर्व पद में गंगा हो गई और उत्तर पद इसका जल बन गया। सूर्यपुत्र शब्द लिया तो पूर्व पद इसका बन गया सूर्य और उत्तर पद हो गया पुत्र। अब चलते हैं आगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के छह भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु, पांचवा होता है द्वंद और अंतिम होता है बहुव्रीहि समास। इन समास को याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, वे मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखिए कि प्रत्येक समास के नाम के आगे का वह ना पहला अक्षर हम उठाकर दो ट्रिक दो रूप में इसको बांट देंगे। पहले अ को उठाया, फिर त को उठाया, फिर क को उठाया, फिर इधर द्वि द्व और बहु दो पद इसमें बना दिए हमने। तो अव्ययी भाव का बन गया इसमें अ, फिर त, फिर क, इधर बन गया द्वि द्व व। इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक में हम समास को याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अव्ययी भाव यानी पहला पद हमने लिया, पहला भाग हमने लिया अव्ययी भाव समास का, इसकी क्या परिभाषा बनती है इसकी ओर चलते हैं। तो अव्ययी भाव की परिभाषा क्या परिभाषा बन रही है इसकी? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ये हम शॉर्टकट में आपको समझा रहे हैं ताकि सरलता से, पूरी विस्तृत परिभाषा नहीं बताते हुए शॉर्टकट में बता रहे हैं। पूर्व पद प्रधान, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पहले का पद जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब उस पर विशेष जोर दिया जाता है। या ये कह सकते हैं कि इसमें पहला पद की जगह इसको अव्यय यानी अव्यय रख के करते हैं। जैसे उपसर्ग बनते हैं ना, उपसर्ग में एक शब्द आगे जोड़ते हैं, ऐसे अव्यय जोड़ा जाता है इसमें। तो अव्यय परिभाषा क्या बन गई कि अव्यय को आगे जोड़ना यानी पूर्व पद को प्रधान मानना। कौन कौन से अव्यय एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं? यथा, प्रति, आ, धट आदि, इस प्रकार हम अव्यय बना सकते हैं। अब इनका कुछ उदाहरण लेते हैं। यथा शक्ति लिखा तो यथा इसमें अव्यय हो गया, तो इसका विवरण क्या, स्तृत रूप क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार प्रतिदिन लिखा तो प्रत्येक दिन प्रति इसमें अव्यय बन गया। आमरण में आ इसका जो है क्या बन गया? अव्यय बन गया। और मरण यानी मृत्यु तक इसका विस्तृत रूप हो गया, आ जन्म, जन्म से लेकर, धड़ाधड़, धड़ धड़ के आवाज आना, इस प्रकार हम इस अव्यय को समझ सकते हैं। संक्षिप्त में समझें कि अव्यय क्या होता है, तो संक्षिप्त में जिन शब्दों में अव्यय आते हैं वे अव्ययीभाव समास होते हैं। बस सीधी सत बात क्या याद रखना है कि जिन शब्दों में
आगे अव्यव आते हैं वे अव्ययीभाव समास होता है। अब हम चलते हैं दूसरे समास की ओर। दूसरा समास हो गया हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा की ओर चलते हैं। तो तत्पुरुष समास में जिस समाज में प्रथम पद या प्रधान होता है वह अव्ययीभाव तत्पुरुष समास होता है। तो इसका क्या वर्णन है, कारक चिन्ह मुक्त का प्रयोग होता है, मतलब इसमें कारक चिन्ह जो होते हैं लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, है ना, तो वह अव्ययीभाव तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे ने, को, से, के, लिए, पर आदि, इस प्रकार तत्पुरुष समास। उदाहरण समझते हैं, चिड़िया का घर। अब का शब्द जो है अव्ययीभाव के बाद तत्पुरुष समास, तो चिड़िया का घर, का क्या शब्द है, का कारक का चिन्ह है, तो जो कि शब्द के अंदर लुप्त हो जाता है, तो इसको क्या ले लिया हमने, चिड़ियाघर, ये शब्द बन गया। तो चिड़िया का घर को चिड़ियाघर, फिर मूर्ति को बनाने वाला तो मूर्तिकार, इसी प्रकार काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, है ना। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, अगला समास ले लेते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास। इसकी क्या परिभाषा बनती है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, या कह सकते हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। अर्थात विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे काला, गोरा, पीला, नीला, लाल वगैरह, वो संक्षिप्त में है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, जैसे आदमी काला है तो आदमी विशेष हो गया, और विशेषण क्या हो गया, जो उसका रंग। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा और इसमें पद विशेष होता है। संक्षिप्त में क्या है, समास विग्रह करते समय के समान है जो जैसा ऐसा आता है। मेन बिंदु ये होते हैं कर्मधारय में, के समान है जो जैसा ऐसे शब्द के हम विस्तृत रूप करते समय उसके मध्य में आते हैं। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो। अब हम चलते हैं अगले समास की ओर। अगला समास क्या बन रहा हमारा, द्विगु समास। तो जैसे द्विगु शब्द आता है, हमें दिमाग में बिठा लेना है कि द्विगु का मतलब होता है संख्यावाचक, सीधी सट बात कि जहाँ गिनती आती है, क्रम होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, तो क्रम चलते हैं, वह द्विगु समाज कहलाते हैं। द्विगु समाज क्या परिभाषा बनती है, द्विगु समाज की परिभाषा बन रही है कि इसमें जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है वहां द्विगु समाज होता है। बस सीधी सट बात दिमाग में बिठा लेना। अब आगे चलते हैं, एक उदाहरण लिए इसके। उदाहरण है नवग्रह। जैसे नव लिखा तो नव का मतलब नौ होता है, तो जहाँ नौ ग्रहों का समूह होता है नवग्रह होता है। पंचवटी, पांच वटों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। सप्तखंड, सात खंडों का समूह। इस प्रकार हमने उसको संक्षिप्त में, यानी जहाँ संख्यावाचक होता है वहां द्विगु समास होता है। अगले समास की ओर बढ़ते हैं, उसको द्वंद। द्वंद शब्द आपने सुना होगा कि द्वंद क्या होता है, द्वंद का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध कैसा होता है कि जहाँ दोनों टुकड़ियां, दोनों सेनाएं समान हो, दोनों में बराबर युद्ध हो, उसे द्वंद कहते हैं। तो द्वंद का मतलब दोनों चीजें बराबर ना, सीधे सर दिमाग में बांट कि दोनों पद समान हो वह द्वंद समाज होता है। उदाहरण के लिए यह परिभाषा पढ़ लेते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में एक योजक चिन्ह, इंग्लिश में उसको डैश बोला जाता है, हिंदी में योजक चिन्ह कहा जाता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, नदी नाले, ठंडा गरम, भाई बहन, ये कुछ इसके उदाहरण है। यानी द्वंद्व का मतलब जहाँ बीच में योजक चिन्ह, सीधे सर दिमाग बिठा लो कि जहाँ योजक चिन्ह आए मतलब वह समास हमारा द्वंद्व, जहाँ संख्यावाचक आई वह हमारा द्विगु समास, जहाँ अव्यव आए वहाँ अव्ययीभाव समास। अगला समास से अंतिम समास हमारा बहुब्री समास। बहुब्री समास की क्या परिभाषा बनती है, बहुब्री समास की परिभाषा बनती है हमारी कि जिसमें तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, मतलब दो पद तो होते ही हैं लेकिन उसका वर्णन करने के बाद तीसरा पद निकलता है, उसे उसका संकेत कहाँ, तीसरे पद की ओर जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब जहाँ तीसरा पद क्या बन रहा है, नीलाकंठ किसका होता है, भगवान शंकर का, तो अर्थात शंकर ये तीसरा पद हो गया, इसकी ओर संकेत हो रहा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं दशानन, दस है आनन, यानी उनका मतलब मुख होता है, जिसके दस मुख हैं वो कौन है, रावण, है ना। एक आपको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा होगा कि यहाँ दशानन और इससे पहले द्विगु समाज में भी मैंने संख्यावाचक कहा, यहाँ भी संख्यावाचक,
लेकिन इसमें वर्णन करते समय इसमें तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है, क्योंकि इसका वर्णन विस्तृत हो रहा, दस हैं आनंद मुख जिसके वो रावण, लेकिन उसमें क्या है जैसे पंचवटी लिखा तो पांच वटों का समूह है, उसमें तीसरा वर्णन कुछ नहीं हो रहा है, तीसरा पद नहीं हो रहा, इसलिए इन दोनों के बीच में ये अंतर है। एक और उदाहरण लेते हैं, विषधर यानी विष को धारण करने वाला, जहर को धारण करने वाला कौन धारण करता है, सांप, तो ये विषधर हो गया। एक उदाहरण और, महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, तो महान है जो वीर, वीर कौन, वीर का मतलब हनुमान, तो हनुमान जी का इसका तीसरा पद समान हो रहा। तो कहने का मतलब संक्षिप्त में क्या समझेंगे, बहुव्रीहि कैसे समझेंगे, जहां तीसरे पद का वर्णन आता है या संकेत मिलता है वहां विषय, वहां हम बहुव्रीहि समास को समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको यदि इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, तथा अन्य किसी भी चीज की आपको परिभाषा आवश्यकता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।